हेलो फ्रेंड्स, आज चाहो नतुन एट भिडि आज आपन लोग आलोचना करम धुनिया आसाम टाइप घर एटार प्लेनिंग आपन लोग देखा तो घर तो कैनेक रूम प्लेस करा तीन रूम आसे दो बेडरूम एट गेस्ट रूम आसे और आगफाले केनेकम कि बनवा हम तो गोटेखिन एक भिडियो आम आलोचना करम। तो बोलो भिडियो तो आरम्भ करूँ। तो भिडियो आरम्भ कर आगे आपको रिक्वेस्ट करूँ जो जो मोर चेनेल नतुनको भिजिट करते प्लीज चेनेल तो सबसक्राइब कर लगभग और एने नतुन नतुन धरण भिडियो आपलोक पाई। सो प्रथम आपको घर मेजारमेंट कह दीसूँ। घर लेंथ तो आस 39 फिट तमें 15 फिट एट रूम इफाले 15 फिट ब्रेथ और एट रूम इफाले 15 फिट ब्रेथ और मजर जी रूम देखिसे अपना मजर रूम तो ब्रेथ आस 13 फिट तो 15 प्लस 15 और मजर रूम तो 13 तो टोटल आस लेंथ तो 39 फिट और ब्रेथ जी ब्रेथ आस 20 फिट तो ये रूम तो ब्रेथ आस 20 फिट इफाले तो रूम तो आस ब्रेथ आस 20 फिट और मजर जो जी आस हल 10 फिट आसे तमान मजर रूम तो सज हल 13x10 यू हल गेस्ट रूम और बाकी दो सद जी रूम देखिसे अपना रूम दो डांगर डांगर रूम मास्टर बेडरूम हिसाब से यूज कर इच्छा कर भर आपन टॉयलेट ब्लॉक दी पार ये जी एरिया देखिसे आगफाले फ्रंटर एरिया खेत यू फ्रंट एलिवेशन कारण आगफाले ऊल और आगत दो पोस्ट हम ये ऊल तक स्लेब दिया हम तो ये अपना देखिसे फ्रंट अपना बारांदा पा बारांदार पर यू राइट साइड मास्टर बेडरूम जो अपना मैं फ्रंटर पर देखाल यू बेडरूम हल 15x20 फिट ये सब ये बहुत साफिशियन स्पेस आस इतर आपे एट चुक टॉयलेट ब्लॉक दी पारक टॉयलेट ब्लॉक दी पार तो कमन मैं एटाच्ड हो जाए रूम भर और तो सोम कि गेस्ट रूम जी आपनर 13x10 फिट यू सो रूम ये अपन गेस्ट रूम हिसाब से यूज कर नाइबा स्टाडी रूम हिसाब से यूज कर ला छी पढ़ने यू अपने यूज करे जी हिसाब से अपना यू गाँव घर सीकार गेस्ट रूम और यूर नाला और इतना किचेन ना किचेन तो बाहर एटाच कर बाहर एडजास्ट कर टॉयलेट ब्लॉक जब देखिसे सब बाहर एडजास्ट कर बाहर बनवा तो आसाम टाइप घर तो सीकार घर सब भर दिया हुआ ना तो बाहर रिक्वायरमेंट आसे बाहर बनाब लगे गोटेखी बाहर प्लेस कर रूम यू देखिसे रूम 15x20 फिट आसे बहुत डांगर रूम तो गाँव एरिया घर सीकार बहुत डांगर को रूम तो बनवा तो जाते सब फाले बहुत साफिशियन स्पेस पाए और ऊपर भेन्टिलेटर पर देखिसे सब कंक्रीट ढालाई करा भेन्टिलेटर मैं अपना देखा आसो केनेटर तो कि टका पड़े दाम यू अपना देखिसे ये 3 इंची वाल मजर पार्टिशन वाल पर 3 इंची वाल आसे और अपने देखा पासी सके ये ऊपर 3 इंची वाल गाँथनी कर यू सैड चाह पे अपना 5 इंची वाल और ऊपर 3 इंची वाल दिया अलग खरच कम कारण तलत 5 इंची और ऊपर 3 इंची वाल दिया अलमान खरच कम कारण और उन्डोबूर डिजाइन देखिसे बहुत धुनिया डिजाइन दिया डोर डिजाइन उन्डो और डोर ऊपर डिजाइन तो सेम रखा जाते लुक्स तो भल है तो अपना एने प्लेनिंग कर घर तो बनाब पे तो बाकी भेन्टिलेटर के बना है यू अपना मैं देखा आसो तो इतना अपना देखा पासे यू हल कंक्रीटर भेन्टिलेटर यू अपना बजार रेडिमेड क्या यू मेजारमेंट थके 1x3 फिट अपना निजर रिक्वायरमेंट मते बनाय लो पे जो अर्डर दिए निजर रिक्वायरमेंट मते डिजाइन चॉइस कर बना बना लो पे तो यू अपने पार रानिंग फिट मैं पार स्क्वायर फिट हिसाब से अपना रेट तो लय तो पार स्क्वायर फिट अपने 70-80 भर आप पाई जाटर 3 स्क्वायर फिट को थके तो 80 रुपीज को जो है तो 240 को अपना पार पीस आपे पाई जा तो बहुत कम खरच अपना भेन्टिलेटर घर के ना घर आपल इच्छा कर दो फ्रेम कि निजर इच्छा मत घर 6mm क्वालिटी भर बनाय लो पे धुनिया और स्टैंड भल पा अपने तो अपना मैं कैसी आगफाले स्लेब एन दिया हम तो ये स्लेब दियन रिजन तो कि मेन कारण तो कि आगफाले जी फ्रंट 7 फिट 8 फिट जी ऊलवा हम यू तो डिजाइन डिजाइनर कारण आसे कितु तार ऊपर प्लेनिंग सोलार पेनेल बहुवा हम तो ये घर तो गोटे जी घर आज घर तो गोटे कारेन्टर सप्लाई दिया हम सोलारे दी कारण कारेन्टर बहुत प्रब्लेम तो सीकार
চোলাৰে দি কাৰেণ্টৰ চিষ্টেমটো গোটেই ঘৰটোত কৰা হ'ব। সেইকাৰণে ওপৰত যিটো শ্লেব হ'ব আগফালে গোটেই চোলাৰ পেনেল ধুনীয়াকৈ বহোৱা হ'ব, যাতে আগফালৰ পৰা লুকছ এটাও আহে ভাল দেখি, আৰু চোলাৰ ৰখাৰ জাগা হয়। কাৰণ ওপৰত টিন থাকিব, সেইটো ওপৰত টিন থাকিব, টিনত চোলাৰ লগোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হয়, আৰু আগফালে যিটো শ্লেব দিয়া হ'ব তাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ৰখা হ'ব, তাৰ তাতে সব সাপ্লাই সিস্টেম দিয়া হব। এইখানে এরিয়া দেখেছে, এখানে সাফিসিয়েন্ট স্পেস আছে, ইয়াতে গোটেইখানে করা হব। তো আশা করো ভিডিওটা আপনার কারণে উপকৃত হব, আপনার ভাল পাব। যদি ভিডিওটা ভাল লাগছে প্লিজ লাইক কমেন্টস আর শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ সো মাছ।